नमस्कार साथियों, दोस्तों आज मैंने एक डिस्काउंट का वीडियो डाला था। उसमें जो है कि मैंने डिस्काउंट यानी कि बट्टा के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने कराया था, लेकिन उसमें एक प्रश्न छूट गया था जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। वो बट्टा का ही प्रश्न है, समतुल्य बट्टा पर आधारित होता है, समतुल्य बट्टा। ठीक है, अब ये क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक, किसी वस्तु पर जो है आपको 10% और 20%, 10% और 20% का जो है दो बट्टा दिया जाता है, तो इस दो बट्टे की बजाय जो है आपको सिंगल एक बट्टा अगर दिया जाए तो वो जो है कितना दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी समतुल्य बट्टा को जो है क्रमागत बट्टा भी लिख करके आता है कि क्रमागत बट्टा। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने अलग से जो है कि इसको मैं करा रहा हूं, क्योंकि एक भी प्रश्न इंपॉर्टेंट वाला छूटना नहीं चाहिए जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, बाद में आप कहोगे सर आपने तो ये वाला प्रश्न कराया ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में कह देगा 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक फार्मूला आपको याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्या याद करेंगे, सॉरी यहां होगा माइनस, यहां क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 10% यहां पे x की जगह पे रख देना है, कितना 10% तो परसेंट मत लिखिए, ठीक है, बाद में जितना आंसर आएगा बाहर आप परसेंटेज लगा देना। y क्या है आपका 20 है, माइनस एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स कितना था 10 था और y कितना था आपका 20, इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, और जो आपका फार्मूला है इसी फार्मूले पे आपको जो है सिंपल है कि रख देना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बटा क्या है दोस्तों 100 है। ठीक, अब 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 30, माइनस इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 बटा 100, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 2, तो 30 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 28%, कितना हो जाएगा 28%। अब नियम से कैसे होगा, अब नियम से क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका कोई जो मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा और इस 100 पे जो है दो क्रमागत बट्टा यानी समतुल्य बट्टा जो है दिया जा रहा है, तो पहला बट्टा 10 का है तो हम 90 बटा 100 कर दें, कर दिया। अगला बट्टा 20 का है तो यानी कि हम 80 बटा 100 कर दें, कर दिया। 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 खत्म, 9 8 72, तो ये बताइए 100 से कितना कम हुआ, आप कहेंगे सर 28, कितना कम हुआ 28, तो यानी 100 से जितना कम होता है वही हमारा जो है समतुल्य बट्टा हो जाएगा। तो ये था नियम और ये था आपका जो है फार्मूला विधि से, आपको जो सही लगे उससे आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये तो 2% दिया है कि एक 10% दिया है, एक 20%, मान लीजिए कभी तीसरा छूट भी दे दे, कभी कभी तीसरा छूट भी दे दे तब क्या होगा, यहां पे क्रमागत छूट भी कह सकता है, यहां पे क्रमागत छूट वर्ड भी यूज कर सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर लिख दे कि 3 क्रमागत छूट 10% 20% और 30% के बराबर बराबर जो है या समतुल्य के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। फॉर्मूला से जब आप लगाएंगे तो पहले इसको इसको लेकर के सॉल्व करेंगे जितना आंसर आएगा, फिर उसको उसको लेके जितना आंसर आएगा उसको लेकर के फिर इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो 10 और 20 का हमने कितना निकाला था, अभी इसके पहले निकाला था 28% था कि नहीं था, 10 और 20 का समतुल्य बट्टा कितना था 28% था, उसको मैं नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेंगे इसी फार्मूले पर, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसी फार्मूले पे आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसी फार्मूले जब रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 28%। अब फिर अगली लाइन में क्या करना है, 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 बटा 100। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 28 और 30 आपका हो जाएगा 58, माइनस यहां पे जब आप गुणा करेंगे तो 10 से 10 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 8 24 हाथ में आया, 2 3 6 2 8 84 बटा के 10, या फिर आप यह कह ले कि जब 10 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब 58 में से आपको क्या करना है दोस्तों कि 8.4 जो है माइनस करना है, क्या करना है 8.4
माइनस करना है, और जब आप 8.4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, लगभग जो है 49.6 कितना आ जाएगा देख लीजिए, ठीक है 8.4 यही तो है। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहां पे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 और यहां पे 4, 49.6% जो है ये आपका समतुल्य बट्टा जो है वो आएगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको किस विधि से करना चाहिए तो मैं कहूंगा आपको इसी फार्मूले विधि से याद करना है, समतुल्य बट्टा के लिए यही फार्मूला लगाना है, x + y - xy/100। और इसी के साथ जो हमारा समतुल्य बट्टा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों क्लास कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर क्लास पसंद आया तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।